morning from Kasol. Guys, बहुत मजा आया कल, बहुत पार्टी करी हमने, bonfire भी था और बहुत डीजे पार्टी भी थी, बहुत बढ़िया नाइट आउट मारा हमने। और अब आज हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया सबने। ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, 5 to 6 किलोमीटर का वन साइड ट्रैक होगा, मतलब टोटल 11 to 12 किलोमीटर का ट्रैक है। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहूँगा, पर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था गाइज। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी देख लो और लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो। सो गाइज, अभी हम ग्रहण विलेज ट्रैक के लिए निकले हैं। अभी 500 मीटर्स हमने कवर कर ही लिया है, थोड़ा लेट निकले हैं ट्रैकिंग के लिए, बट कोई बात नहीं, पूरा ट्रैक करके ही निकलेंगे। बट यहाँ पर ग्रहण रिवर है, यू कैन सी दिस, और आगे प्रावती रिवर से जो मर्ज होती है, मैंने आपको पॉइंट दिखाया था पिछली वीडियो में। हमें ट्रैक पे पूरा फॉलो करेंगे और ये बीच में रुक गए, पर हम सोच रहे कि अब वेट नहीं करेंगे, अब हम ट्रैक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लेट करेंगे तो आते हुए अंधेरा हो जाएगा, तो वो हमें मजा नहीं आता ट्रैक का। इंस्टाग्राम अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, वरना अनफॉलो करना। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको फॉलो कर सकते हो, मीम्स देख सकते हो। अभी हम ग्रैंड ट्रैक पे और हमें 1 किलोमीटर कवर कर लिया है। और इस ट्रैक की जो स्पेशल बात है, जो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, कि ये ट्रैक पूरा रिवर के साथ साथ ही चलता है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। जो इसकी यार पीसफुल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमें। और बाकी थोड़ा लेट चल रहे हैं, पर ये प्रॉमिस करूंगा कि ट्रैक पूरा कंप्लीट करेंगे, जो हमारी डेस्टिनेशन है वो हम दिखाएंगे। और मुझे किसी ने बताया था कि डेस्टिनेशन पे हमें स्नो मिल सकती है, तो गाइस अगर स्नो मिली तो आपको वो दिखाऊंगा, और हम वही वेट कर रहे हैं कि हमें अगर स्नो मिलती है तो बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो गाइस ये ब्रिज है जो हमें ट्रैक करना है, उसके ऊपर से जल हम क्रॉस करना है, और ये लकड़ी का ही बना हुआ है, कच्चा ब्रिज है यहाँ का। गाइस ये गहन रिवर है और पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है, मैं बता नहीं सकता आपको। लेट मी शो यू, मतलब अंदर के एक पार्टिकल्स दिख रहे हैं, स्टोन्स दिख रहे हैं यहाँ पर पानी के, क्रिस्टल क्लियर वाटर। सो गाइस वी आर ऑन आर हाफ वे, और आधा ट्रैक तो कर चुके हैं, बाकी ट्रैक इतना कोई मुश्किल नहीं लगा मेरे को, ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा ब्रेक ले रहे हैं, स्पेशली ये इंसान इतना ब्रेक ले रहा है, हर स्पॉट पर इसको फोटो खिंचानी है, और सबसे पीछे हम ही हैं, ठीक है। और मरन ने बहुत कमाल की चीज़ करी, बीच में थोड़ा सा पानी आया था, ठीक है, हम साइड से निकल रहे, दिखा शक्ल दिखा भाई, ठीक है, बीच में पानी आया, हम साइड से निकल रहे हैं, बंदा बीच में छप 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 करके निकल गया, ठीक है। और अब बोल रहे हैं मेरे पैर पूरी गीले हो गए, मेरे को सॉक्स उतार के सुखानी है। गाइस रास्ता तो बहुत बढ़िया है ट्रैकिंग का, बाकी अभी बीच में मुझे एक ग्रुप मिला था, कुछ 4 या 5 लोंडों का, तो उनसे मैंने पूछा, वो ग्रहण से वापस आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा भाई वहाँ पर बर्फ़ है, उन्होंने बताया कि भाई बर्फ़ दबा के है वहाँ पर, तो गाइस पर यहाँ से वो काफ़ी दूर है, वो कह रहे थे अभी तुम्हें 1-2 घंटे लगेंगे। एक्चुअली ट्रैक जितना सोचा था उससे काफ़ी बड़ा है, बट बर्फ़ देखनी हमें, उसके बिना ट्रैक कम्प्लीट नहीं होगा, उसके बिना एडवेंचर कम्प्लीट नहीं होगा, बट वो देखेंगे हम। तो शायद थोड़ा अंधेरा हो जाए आते हुए हमें, पर बर्फ़ ज़रूर देखनी है। और अब मैं सीधा आपको डेस्टिनेशन पे ही वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, कोई मैं अपने ट्रैवलिंग नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है विंटर्स के अंदर, और यहाँ पर सर्दी काफ़ी है, तो बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो रही है। भाई बहुत डेडलीस्ट ब्रिज है ये, फ्लो देख सकते हो, और जगह देखो यार कितनी कम है। आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं है, ओबे ओ खतरे के खिलाड़ी। तो गाइस अभी हमने ब्रेक लिया, यहाँ पर थोड़े कैफेज है, यहाँ पर थोड़ा आप रेस्ट कर सकते हो। बता देता हूँ कि ये जो ट्रैक है बहुत स्टीप है गाइस, अभी मैंने आपको वीडियोस नहीं दिखाई क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है ये ट्रैक और बहुत टफ है, ऐसा आसान नहीं कर सकते आप इस। और अगर आपको आना है तो टाइम से आइए, यहाँ पर लेट हो जाओगे तो यहाँ अंधेरा हो जाता है, और रात को चढ़ाई तो और मुश्किल होगी, इसलिए लाइट्स तो बिल्कुल नहीं है। सो गाइस अभी हमने एक डिसीजन लिया है, आई डोंट नो कि सही है या नहीं, आगे का ट्रैक हम अकेले जा रहे हैं, मतलब हम सिर्फ 4, बाकी की जो टीम थी वो वहाँ पर स्टे करेगी, वो आगे नहीं जा रही क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और आगे की चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, पर बर्फ़ के बिना नहीं जाना, और थोड़ी बर्फ़ शुरू हो गई है। गाइस आगे की ट्रैकिंग की क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि ट्रैक जो था वो बहुत स्टीप था, और वीडियो रिकॉर्ड करना और ट्रैकिंग करना एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया।
सो गाइज, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैकिंग का और अगर आप बिगनर हो तो आई डोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस ट्रैक, क्योंकि बहुत स्टीप ट्रैक है और आगे स्नो भी है ट्रैक के साथ, तो बहुत स्लिप भी हो रहा था. तो गाइज, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ रिस्क करो, क्योंकि सो दिस वॉज द टफेस्ट ट्रैक इन माई लाइफ. जो रास्ता था वो बहुत डेंजरस था गाइज. बीच में तो ऐसा रास्ता भी आ रहा था जहाँ पर आपको लेट के या बैठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि खड़े होने की जगह ही नहीं थी, आप खड़े हो ही नहीं सकते थे. तो वो बहुत रिस्की था और एक साइड पे खाई थी तो वो और डेंजरस लग रहा था. तो हमने सोचा था ट्रैक काफ़ी लंबा रहेगा और ट्रैक एक्चुअल में काफ़ी लंबा था. हमारी पूरी बैंड बज गई ट्रैक कम्प्लीट करते करते. और गाइज, बहुत टफ था. दिस ट्रैक इज़ फॉर द प्रोफेशनल्स, जो कि मेरे ख्याल से बिगनर्स या फिर नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है. ये ट्रैक काफ़ी टफ है. ऐसा एडवेंचर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आई डोंट सजेस्ट आपको करना चाहिए. सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड दैट लोकेशन और गहान वैली पहुंच चुके हैं हम. विलेज भी यही है और प्रॉपर बर्फ देखने को अब मिल रही है यहाँ पर. यू कैन सी दिस, बहुत बढ़िया बर्फ़ है यहाँ पर. और बहुत मुश्किल, बहुत लंबी ट्रैकिंग करके फाइनली अब थोड़ा पेट पूजा करेंगे, जो अब तक हमने चीज़ नहीं करी. मतलब वी गोना ईट मैगी राइट नाउ. सो गाइज, अब हम खाएंगे मैगी. और पहाड़ों में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और है यार. पहाड़ों में मैगी डबल अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यार प्लीज़ कमेंट करो. रेट भी डबल होता है, ये बात तो सही है. सो गाइस, अभी हम ग्रहण विलेज पे हैं और बाकी टीम मेंबर्स ने भी ज्वाइन कर लिया है हमें. और ये होता है जुनून. पूरा ट्रैक हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है. बहुत बहुत मजा आ रहा है. बर्फ में बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. अब मजा आएगा और हम बाकी लोगों को भी फोटोज भेज के जलाएंगे जरूर. सभी आ गए हैं. अराउंड 12-15 मेंबर्स हमारे ग्रुप के सारे आ गए हैं. और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब ने पूरा ट्रैक कंप्लीट करा. और इसके आँख में लग गई. गाइस, हमने ट्रैक किया यहाँ पर और बहुत ज्यादा स्लिपरी था स्नो के साथ. और ये व्यू गाइस, द वॉटरफॉल. ग्रहण विलेज से काफी मुश्किल ट्रैक था पर हमने पूरा किया. और अभी हम ये वाटरफॉल देख रहे हैं. बहुत अमेजिंग है गाइस. पानी बहुत ठंडा है. एज यू कैन सी, पानी के अंदर ही बर्फ है. तो मतलब सोच सकते हो कितना ठंड लगी होगी. रात को पूरा पानी जम गया. और बहुत अमेजिंग है गाइस. वर्थ था. ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि आगे पूरी बर्फ है. और ऊपर ट्रैक करना आई डोंट थिंक वर्थ है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिपी हो सकता है और लाइफ रिस्क नहीं कर सकता मैं अपनी. यहाँ पर अभी बहुत लोग सुना रहे हैं यार. तो गाइस, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम ग्रहण विलेज आए थे और यहाँ पर हमने बहुत मस्ती करी. अच्छी खासी स्नो थी और हमने बहुत मज़ा आया. जो सेटिस्फेक्शन हमें मिली वो बहुत बढ़िया थी. हमने जो चाहते थे कि स्नो पे हम थोड़े मज़े वगैरह करें, हमने सारा अच्छा करा. स्नोफॉल अच्छी थी यहाँ पर. ठीक थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी पर हमारी जैसे चाहिए थी हमारा हो गया. अब क्या सीन क्या था कि अब ट्रैक जो हम करके आए थे वापस जाने के लिए अब अंधेरा हो गया. तो सो वी डिसाइडेड टू स्टे बैक हेयर एंड वी हैव टेकन दिस रूम. गाइज, अभी हम ग्रहण विलेज में हैं और यहाँ पर कसौल से काफ़ी ठंडा है और हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं. ये होटल हमने स्टे के लिए लिया है, हम चारों ने लिया है यहाँ पर स्टे के लिए. और कल सुबह हम यहाँ से ट्रैकिंग और आगे करेंगे. गाइज, लुक एट द स्नो कितनी ज़्यादा है यहाँ पर. और यहाँ पर हमने बॉनफायर लगाया है. बॉनफायर के साथ पीछे स्नो, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया लाइफ में. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है. लेट मी शो यू द क्लिप्स.
अभी बहुत पार्टी करनी है, इट्स न्यू ईयर ईव, अभी कैसे हो सकता है, अभी 7 बज रहे हैं शाम के और अभी बहुत पार्टी करनी है, अभी बॉनफायर लगा हुआ है आगे जाके, और भी देखते हैं क्या क्या सीन होता है, म्यूजिक लगाएंगे, पार्टी करेंगे, फेस्टिवल में जाएंगे, कैसे कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, सब कुछ करूंगा, सब कुछ दिखाने की कोशिश पूरी करूंगा। एंड आई विल सी यू एट 11:55 जब मैं काउंट डाउन शुरू करूंगा न्यू ईयर का।